हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माइन ब्रेन्स मैं हुती आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की गुलमोहर बुक वेयर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एलेवंथ यूनिट ऑफ दिस बुक द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज विंटर ओक रिटन बाय यूरी नैगबन नाउ दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ टीचर एंड अ स्टूडेंट सो so, एक टीचर जो कि काफ़ी डिसिप्लिन हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वो चाहती हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें जैसे कि सारी टीचर्स चाहती हैं लेकिन देन शी मीट्स अ स्टूडेंट और वो जो स्टूडेंट है वो हमेशा लेट आते हैं वो स्टूडेंट हमेशा लेट आता है और उनको लगता है कि जो वो एक्सक्यूजेज दे रहा है वो सब तो झूठ है वो तो गलत है तो शी वॉट शी डू शी सेज दैट आई वॉन्ट टू मीट योर मदर एंड आई विल कम विथ यू बट वेन शी गोज़ विद हिम She finds the reality which is actually very different than what she had thought of. So, here we have going to It is a very interesting chapter, hai, jo It will transport you to do a different world. Okay? So, before starting our chapter, we will read about the writer and then we will continue with the chapter. So, Yuri Nagvin was a Russian writer who wrote short stories. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड नॉवेल्स तो ये एक रशियन नाइट राइटर थी जो कि शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखती थी और नॉवेल्स लिखती थी हाउ ही वाज मोस्ट फेमस फॉर आई मीन इट्स अट अट सही ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग स्क्रीन प्लेज लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए थे स्क्रीन प्लेस लिखने के लिए थे ही ऑफन रोड अबाउट वॉर चाइल्ड हुड मेमोरीज एंड राशियन हिस्ट्री अमंग अदर थिंग तो ये और किस बारे में लिखते थे ये जो जंग हुआ करती थी उसके बारे में लिखते थे चाइल्ड हुड मेमरीज़ के बारे में लिखते थे एंड राशियन हिस्ट्री के बारे में, बारे में लिखते थे अमंग अदर थिंग्स मतलब बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखते थे लेकिन इस चीज़ पर काफ़ी फोकस किया करते थे Now we will start with this chapter Winter Oak. Anna, now see the pronunciation of this particular word is given here. फर्स्ट लेसन वॉज इन फॉर्म फाइव सो एनावना इज द नेम ऑफ द टीचर उनका जो पहला लेसन था वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में था शी हैड जस्ट फिनिश्ड कॉलेज उन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया था एंड नाउ थॉट एट द स्कूल इन दिलेज ऑफ नाउ हाउ वुड यू प्रनाउंस दिस उ वुआरोवका ठीक है सो शी वॉज टीचिंग इन द विलेज ऑफ वुआ रोवका शी वॉज अ गिफ्टेड टीचर एंड पीपल इन उवरोवका एंड ऑल द न्यली सेटलमेंट्स था हाईली ऑफ हा दिस टीचर एना शी वॉज अ वेरी जनाउन टीचर वो बहुत ही ज़्यादा गिफ्टिड टीचर थी मतलब जो लिट्ररी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करती हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाती थी अपने नॉलेज उनके अपने सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था उनको और जितने भी लोग थे ओवरोवका के दे यूज टू थिंक हाईली ऑफ हर मतलब वो उनको बहुत मानते थे दैट मॉर्निंग एज द वेल साउंडेड द पीपल्स रोज ग्रीटेड हर इन यूनाइजन एंड टुक दियर सीट्स तो उस मॉर्निंग अब हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं उस सुबह जैसे ही बेल बजी तो क्या होता है सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ जाते हैं तो द पीपल्स सारे बच्चे जो क्लास में थे वो सब खड़े हुए ग्रीटेड हर इन यूनाइसन मतलब सब ने एक साथ गुड मॉर्निंग टीचर गॉड ब्लेस यू जो आप लोग गाना गाते हो बेसिकली उन सब ने उन्हें यूनाइसन मतलब एक साथ ग्रीट किया एंड टुक दे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए ऑन विद पार्ट्स ऑफ स्पीच से शी बिगेन तो आज उन्होंने क्या बोला टीचर ने क्या बोला आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे अर्ष फेल ओवर द क्लास एंड द राम्बलिंग ऑफ अ हैवी लॉरी अलॉन्ग द हाई वे आउटसाइड कुड बी ईजीली हर्ड अ हर्ष फेल ओवर द क्लास हर्ष का मतलब क्या होता है साइलेंस जैसे उन्होंने बोला आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं तो सब एकदम सीरियस हो गए अपनी अपनी बुक्स निकाल ली उन्होंने और दे व रेडी फॉर द लेक्चर और पास ही स्कूल के बाहर जो था एक बहुत बड़ा सा हाईवे पर एक लॉरी जा रहा था हैवी लॉरी जा रहा था मतलब एक हैवी ट्रक सा जा रहा था जिसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही थी एना वैसे रेना रिकॉर्ड हाउ एंशियस शी हैड बीन बिफोर दिस लेसन लास्ट ईयर अब ऐना सोच रही है कि पिछले साल इसी लेसन को पढ़ाने के पहले वो कितनी ज़्यादा परेशान थी एनशियस थी लाइक अ स्कूल गोल बिफोर एन एग्जामिनेशन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रेथ तो जब कोई टीचर है जब पहली बार किसी क्लास को पढ़ाने जाती है तो जैसे आपके लिए टीचर ओ माई गॉड्स इज़ अ न्यू टीचर तो वैसे ही टीचर्स भी बहुत एनशियस होते हैं तो जब ये फ़र्स्ट टाइम अपनी क्लास लेने जा रही थी और सेम क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें पढ़ाना था तो ये बार बार अंदर ही अंदर क्या रिपीट कर रही थी नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यूज़ फॉर नेमिंग नाउन इज़ अ वर्ड यूज़ फॉर नेमिंग नाउन इज़ अ वर्ड यूज़ फॉर नेमिंग मतलब एक तरीके से इट फेल्ट एज इफ वो उनका एग्जामिनेशन है The memory brought a smile to her lips and she began in a smooth, calm tone. So ये जो memory थी, it brought a beautiful uh, smile on her lips. Smile to her lips. मतलब कि you know what a day it was. सोचते हुए उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई. Just then a voice said, "May I come in?" So she was about to start her lesson तभी एक आवाज़ आई. "May I come in?" मतलब there was a student who was asking for permission to come inside the class. अ स्मॉल फिगर्स टू डेंट दाफ ओ ओ ओपन डोर अ स्मॉल फिगर मतलब एक छोटा सा मतलब कोई फिगर मतलब यहाँ बात करें छोटा सा ह्यूमन जो था He stood in the half-open door. Door जो कि आधा खुला हुआ था, वो वहाँ खड़ा था. The cold-bitten face blazing like a beetroot. उसका जो cold-bitten face face मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, जिसकी वजह से उसका जो face था, it was blazing like a beetroot. Blazing मतलब it was very bright. एकदम red red cheeks, red nose हो गए थे, जैसे कि beetroot होता है, चुकंदर जैसा. Late again. Now here. What is the name? Subshas.

द प्रॉब वॉज कि ये बच्चा हमेशा लेट क्यों आता है टेकिंग हर वर्ड्स टू बी परमिशन टू एंटर शाह रेपिडली स्लिप टू हर सीट तो जैसे बोला तुम फिर लेट आए हो तो उसने क्या कंसिडर किया कि हाँ मैम ने मुझे अंदर आने के लिए कहा है गुस्सा है लेकिन कह दिया है तो वो अंदर गया और अपनी जगह पर जाके बैठ गया एना वर्सिल वॉज अपसेट बाय शवश कमिंग लेट वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट अपसे थी कि ये बच्चा फिर लेट आया है इट अ वेल बिगिन डे और जैसे कोई लेट आता है तो क्या होता है टीचर एक फ्लो में पढ़ा रही होती है उसका एक दिन सेट होता है तो क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से शी वॉज अपसेट शी थर्ट ऑफ द जोग्राफी टीचर हु हैड फर्स्ट कम्प्लेंट ऑफ शावशकिस फिर उनको याद आता है वो जोग्राफी टीचर के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी शावकिन की टायर्डनेस का मतलब क्या होता है द क्वालिटी ऑफ बींग लेट और स्लो जो वो हमेशा लेट आता है उसके बारे में वो ऑलरेडी कम्प्लेंट कर चुकी थी शी complained of the noise of inattentive pupils and the difficulty of handling first lessons. उन्होंने complain और भी किस किस चीज़ों के बारे में की थी कि अरे यहाँ बहुत शोर होता है बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ये फर्स्ट लेसन को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है सो एना वसल यू हैव नाउ स्वैब लेसन विथ हर सो एना ने उनके साथ लेसन स्वैब कर लिएता है तो ठीक है अगर आपको इतनी परेशानी होती है तो मैं ले लेती हूँ आपकी क्लास After all, first lessons were only difficult for those that could not control the class or make lessons interesting. Anna को लगता था she is a wonderful teacher. और first lessons सिर्फ उन्हीं के लिए difficult होते हैं जिनको लगता है कि वो बच्चों को handle नहीं कर सकते या उनको उनकी class बड़ी boring सी जाती है So Anna को लगा कि उसकी classes तो बहुत interesting होती है and she knows कि बच्चों को कैसे handle किया जाना चाहिए But now there was शवश्किन लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है सब सही से चल रहा था लेकिन अब शवश्किन था अनोयड हैड टू कंटिन्यू दैसन अब वो ठीक है वो अनॉयड थी उनको उनको गंदा लग रहा था गुस्सा आ रहा था लेकिन अब उनको क्लास तो लेनी पड़ेगी क्लियर शी एड्रेस द क्लास तो उन्होंने क्लास को बोला क्लियर 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 अरस केम बैक तो वो जो नाउन पढ़ा रही थी उसके लिए उन्होंने बोला फाइन मेकअप एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन देन तो उन्होंने क्या बोला चलो अपने अपने एग्जाम्पल्स बताओ कि नाउन क्या होता है इट वॉज क्वाइट फॉर अ मोमेंट एंड देन तो दो मिनट के लिए सबने सोचा और अचानक से आवाजें आने लगी कैट सेड अ स्मॉल वॉइस सेटनली तो किसी ने कहा कैट राइट यू आर सेड द आइस वॉज ब्रोकन द आइस वॉज ब्रोकन का मतलब वो जो साइलेंस था वो खत्म हो चुका था एंड द किड्स दे स्टार्टेड टू टॉक विंडो टेबल हाउस

यू you नो know, ये सारी बहुत नॉर्मल चीजें हैं जोड़ हुआ हाउस हुआ कलर हुआ लेकिन अब उनको ये वर्ड्स की एक अलग पता चली है, और अब वो कितने खुश हैं अपने आप मतलब ये सारे वर्ड्स लेके बता के एज टू सींग न्यू अनयूजल लाइट टू सी सम इन न्यू अनयूजल लाइट मतलब टू सी समस्पेक्टिव आप एक अलग नजरिए से देख रहे हो उनको दे नेम्ड मोर दैन मोर थिंग्स बट दोज फर्स्ट फ्यू मिनट्स व रिजर्व फॉर द मोस्ट फमिलियर ऑब्जेक्ट्स तो वो लोग बहुत सारे नेम्स ले रहे थे लेकिन जितने भी लोग बच्चे नाम ले रहे थे वो एकदम कॉमन चीज़ें थी जैसे कि अगर मैं नाउन पूछूँ तो पेन बोर्ड शर्ट पैंट्स कैमरा तो ये सब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं व्हील ट्रैक्टर वेल इस तरीके के वो लोग आंसर्स दे रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन एज एफ राउस्ड फ्रॉम अ ड्रीम और अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई नींद से जागा हो सपने से जागा हो शवस्किन शवश उसने बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक रिंगिंग वॉइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे एकदम लाउड एंड क्लियर वॉइस के साथ उसने कहा विंटर ओक विंटर ओक ओक क्या है एक पेड़ है द चिल्ड्रन लाफ क्वाइट Anna said, striking the desk with the palm of her hand. So, जैसे उसने बोला winter oak, तो सारे बच्चे हंसने लग गए तो Anna ने सबको बोला एकदम चुप शांत कोई कुछ नहीं बोलेगा उन्होंने बेंच को ऐसे मारा अपने पाम से so that people can get silent. Winter oak. Shavushkin repeated, um, unaware of the enthusiasm in his voice, the children's laughter and the teacher's outcry. उसने फिर से बोला winter oak. एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रहे हैं या टीचर जो है बिल्कुल भी अनॉयड है या वो अप्रूव नहीं कर रही है इस चीज़ से द वर्ड सीम टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट लाइक अ डियर सीक्रेट दैट हिज सोल वॉज पावरलेस टू कंटेन ऐसा लग रहा था कि जो वर्ड्स हैं विंटर ओक ये उसके दिल के अंदर से आ रहे हैं ऐसा एक सीक्रेट है जिसे वो अपने अंदर कंटेन नहीं कर पा रहा है नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रेंज एक्साइटमेंट एंड आ स्नैप्ड सिंपली ओक उसने बोला अब ऐना को समझ में नहीं आया कि इतना एक्साइटेड क्यों है तो उसने बोला वाई विंटर नाउन में ओक ओक इज अ ट्री इंग उसने बोला वाई विंटर इट्स ओनली ओक ओक इज अ ट्री सिंपली ओक इज नथिंग विंटर ओक दैट इज अ रियल नाउन द बॉय इज अड उसने बोला सिंपल ओक इज न सिंपली ओक कुछ नहीं होता विंटर ओक ये है रियल नाउन बॉय ने बोला टेक योर सीट्स आव सी वॉट कम्स फ्रॉम कमिंग डेट उसने बोला अपनी जगह पे बैठो और उसके अंदर बाद देखो यही होता है अगर आप लेट आते हो तो ओक एक नाउन है बट वी हैव स्टडीड वॉट विंटर इज इन केस उसने बोला ओक यहाँ पे एक नाउन है अब अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव हियर लेकिन उसने बोला अभी हमने पढ़ा नहीं है कि विंटर यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है प्लीज कम टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द लॉन्ग ब्रेक उसने बोला जब लॉन्ग ब्रेक होगा तो मेरे मतलब स्टाफ रूम जो होता है कॉमन रूम होता है वहां पर आना शावशकिन सेट डाउन स्माइलिंग एट सम इनर thought, नॉट at all अपसेट by द टीचर्स थ्रेटनिंग वर्ड्स शावशकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो खुश था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अरे टीचर ने उसको इतनी ज़्यादा डराते हुए कॉमन जूम में बुलाया है शायद उसे पनिशमेंट मिलेगा या वो उसकी पेरेंट्स से बात करना चाहेगी उसको कोई डाउट नहीं था उसके अंदर एक थाट था जिसकी वजह से वो बहुत खुश था अ डिफिकल्ट बॉय एन अ थाट तो टीचर ने क्या सोचा ये लड़का बड़ा परेशान करने वाला है लेटर टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द ब्रेक एज इंस्ट्रक्टेड बाई हिज टीचर बाद में उनके टीचर के कॉमन रूम में गया ड्यूरिंग द लॉन्ग ब्रेक जैसे कि टीचर ने कहा था बी गुड एंड टेल मी वाई ऑलवेज लेट सेड नाम सो टीचर ने क्या बोला अच्छे बच्चे बनो और मुझे बताओ तुम हमेशा लेट क्यों आते हो आई डोंट नो आई leave द हाउस विद एन आवर टू स्पेयर उसने बोला मुझे नहीं पता मैं लेट क्यों हो जाता हूँ मैं एक घंटे पहले घर से निकलता हूँ How difficult to make a little boy tell the truth, even the simplest of matters. Lots of children live much farther than Shavushkin, but none more than an hour's walk from school, thought Anna. सो टीचर ने मन में सोचा ये बच्चों से सच उगलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कैसे छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा दूर रहते हैं लेकिन किसी को भी एक घंटा नहीं लगता यहाँ पे आने में

किन सरप्राइज लुक लेकिन सरप्राइज एकदम उसने सरप्राइज होते बोला लेकिन मैं तो कभी हाईवे की रोड से आता ही नहीं हूँ मैं तो जंगल की तरफ से आता हूँ अ सेंस ऑफ ग्रीफ एंड ग्रिप्ड हर एज इट ऑलवेज डिड चिल्ड्रन लाइट उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ना टीचर एकदम सैड हो गई कि यार बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं तो एक ग्रीफ आ गया एक डिसप्रेशर आ गया उनके अंदर कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था ये चीज़ शी रिमेन साइलेंट होपिंग दैट शवशकिन वुड अपोलोजाइज एंड कन्फेस डेट ही स्पेंड हिस टाइम प्लेइंग वो चुप होकर उनको देखने लग गई उन्हें लगा कि शवशकिन जो है सॉरी बोलेगा अपोलोजाइज करेगा और अपनी गलती मानेगा कि वो खेलते खेलते आता है और खेलने में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देता है बट ही ओनली स्टेयर्ड एट हर विद लार्ज इनोसेंट ग्रे आइज लेकिन वो उनको बड़ी बड़ी आँखों से इनोसेंट ग्रे आईज से देखता था उसने ना अपोलोजाइज किया ना कन्फेस किया कुछ नहीं किया टेरेबल शाउशकिन आई वील हैव टू सी योर पेरेंट्स अबाउट इट उसने बोला ये बहुत बुरी बात है टीचर ने कहा मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है बट आई ओनली हैव अ मदर एना एंड शी लीवस फोर वर्क एट थ्री शावशकिन सेट एज ही स्माइल उसने बोला लेकिन मेरे पेरेंट्स तो नहीं है मेरे पास तो सिर्फ मम्मा हैं और मेरी जो मदर हैं वो थ्री ओ क्लाक को काम के लिए चले जाती हैं फीलिंग स्लाइटली एम्बेरस्ड शी था ऑफ शावशकिन मदर A tired नर्स with फोर children टू raise and अ demanding जॉब तो उनको थोड़ी शर्म आई थोड़ा सा एम्बारसमेंट हुआ कि उन्होंने बोला मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है जबकि वो जानती थी कि उन उसके फादर नहीं है उसके सिर्फ मदर है जो कि एक नर्स हैं उनके चार बच्चे हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू मैनेज द फोर किड्स प्लस उनकी जॉब बहुत डिमांडिंग है मतलब वहाँ उनको बहुत सारे आवर्स देने पड़ते हैं श्योर्ज मदर हैड केयर्स इनफ बट एना वैसे जस्ट हैड टू सी है उसने सोचा कि हाँ यार इसकी मदर के साथ बहुत प्रॉब्लम है लेकिन मुझे तो अब उनसे मिलना पड़ेगा वॉट एवर इट इज आई एम द टीचर मुझे आई हैव टू मेक श्योर दैट यू नो ही डेंड ऑल हिस टाइम इन जस्ट वेस्टिंग वेल देन यू विल टेक मी होम आफ्टर लेसन टूडे शी सेट उसने बोला ठीक है तो आज एक काम करना जैसे हमारा पूरा स्कूल खत्म हो जाएगा क्लासेस ओवर हो जाएंगी फिर तो मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलना देट आफ्टरनून

क्लोज बिहाइंड देअ बैक्स दे फाउंडसल्स इन एन एंचाइटेड किंगडम ऑफ पीस एंड क्वाइट अब जैसे ही वो लोग उस जंगल के अंदर एंटर करा उन्होंने तो जो स्नो लेडन फ़र ब्रांचेज थे मतलब जो फर का जो ट्री होता है जो पॉइंटेड जिसकी लीव्स होती हैं फ़र के जो ट्रीज़ होते हैं उससे पूरा एरिया कवर हो चुका था ऐसा लगा कि वो लोग एक अलग दुनिया में आ चुके हैं एक इंचैंटेड किंगडम मतलब एक मैजिकल किंगडम में आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस था साइलेंस था क्वाइटनेस थी इट वॉज़ वाइट ऑल अराउंड अब क्योंकि इट वॉज़ विंटर्स और जो है मतलब जितने जा, भी फोर ट्रीज थे उसमें स्नो थी तो ऐसा होता एवरी प्लेस वॉज वाइट इन कलर फ्लिटिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री मतलब मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री मैकपाइज एंड क्रोज शुक द ब्रांचेस जिसमें मैकपाइज और जो बर्ड्स होती हैं क्रोज होते हैं वो जब ब्रांचेस को हिला रहे थे तो उसमें से स्नोफॉल हो रहा था नॉक डाउन फरकोन्स एंड ब्रोक एंड ओकेशनल ड्राई ब्रिटल ट्विग तो जब वो मूव हो रहे थे तो जो फरकस थे वो कभी टूट जाते थे नीचे गिर जाते थे या कभी कोई सूखी लकड़ी है वो टूट जाती थी येट नॉट अ साउंड हर्ड इतनी आवाजें होनी चाहिए थी लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी वहां पर दाथ वून्ड अलॉन्ग द एज ऑफ अ ब्रूक अलॉन्ग इट्स बैंक ओबीडियंटली फॉलोइंग इट्स एवरी ट्विस्ट एंड टर्न उनका जो रास्ता था वो एक ब्रूक मतलब एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वॉटर था उसके साथ साथ जाता था जहां जहाँ से वो वाटर मुड़ता था इन्हें भी वैसे ही मुड़ना था ओकेशनली द ट्रीज स्टेप डाइड ओपनिंग ऑफ सन बैड मेडोज और बीच बीच में जैसे वो जा रहे थे तो जंगल के बीच में अचानक से क्या होता था एक मैदान जैसा आ जाता था तो जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है द ट्री स्टेप्ड असाइड ट्री स्टेप्स असाइड मतलब अचानक से क्या होता था ट्रीज से आप जैसे निकलते थे एक मैदान सा आ जाता था ओपनिंग ऑफ सन बैड मेडोज मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आ रही थी खुला मैदान था घास थी क्रिस क्रॉसड बाय हेयर ट्रैक्स दैट लुक लाइक वॉच चेन्स और हेयर ट्रैक्स मतलब जो है जो जहाँ पे खरगोश जो है मूव करते हैं तो वो ऐसा लगता था कि है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेन होती है ना जैसे उस तरीके के क्रिस क्रॉस थे वहाँ पे They also saw tracks resembling Clover leaves that belonged to some larger animal and led into the woods. उन्होंने एक और चीज के ट्रैक देखे राउंडेड लीव्स ऑन स्टेम। मतलब इस तरीके की थ्री राउंडेड round, जो लीव्स होती हैं। जैसे कि वो किस चीज को रिजेंपल कर रहा था जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी एनिमल का पौ है दर्स बीन साउु as if speaking of an old friend when he noticed Anna's interest in the tracks. तो जब उसने देखा कि Anna बहुत interest के साथ वो पूरे रास्ते को देख रही है तब उसने क्या कहा The elk has been here. Elk मतलब क्या है A large deer with brownish red fur and large antlers, which is found in the forest of northern Asia, northern Europe and northern America. तो उसने बोला यहाँ पे elk भी है when he noticed now in the tracks, but don't be afraid he left reassuringly to her worried glance elks are docile to तो जैसे एना को उसने बताया पता है यहां ये यह, elks uh, भी हैं तो एना ने एकदम घबराते हुए देखा कि यहाँ एल्क्स हैं तो उसने बोला अरे डोंट बी अफ्रेड मतलब आप परेशान मत लो बिकॉज़ एल्क्स आर डोसाइल डोसाइल मतलब वो बहुत इजी होते हैं एंड इजीली कंट्रोल हो जाते हैं बहुत काम क्रिएचर्स होते हैं हैव यू एवर सीन वन

the pathway once again ran down to the streams. So branches से होते हुए फिर से जो उनका रास्ता था वो stream की तरफ गया In some places snow blackened the stream and elsewhere the water flowed under the prison of ice. कहीं कहीं वो जो पूरा जो snow था ना stream जो था वो पूरा snow बन चुका था और कहीं कहीं ऊपर एक layer आ गई थी ice की नीचे पानी बह रहा था एना टर्न हर अटेंशन टू द स्ट्रीम एंड गेस इन आओ एना ने एकदम स्ट्रीम को देखा वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की तरह सरप्राइज के साथ उसको देखने लग गई वाई इज इंट एट ऑल आइस शियाज उसने बोला इतना ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये पूरा आइस क्यों नहीं बन गया देर आर लॉर्ड्स ऑफ वॉर्म स्प्रिंग्स हियर सी दैट लिटिल जेट शाउस किन सेट इमिडिएटली द ब्रूक इज़ अलाइव अंडर द स्नो उसने बोला ये पूरा आइस इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि अंदर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर नीचे इतना ज़्यादा होता है कि पानी हमेशा गर्म रहता है इट्स लाइक यू नो गर्म पानी हॉट स्प्रिंग तो उसने बोला यहाँ बहुत ज़्यादा वार्म स्प्रिंग्स हैं जिसकी वजह से पानी फ्लो होता रहता है जो स्नो के अंदर जो आपकी जो छोटी सी ब्रूक के स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो अलाइव है वो पूरा आइस नहीं बना हुआ है

क्यों क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या था ठंडा था तो वो थिक हो गया था एंड फ्लोटेड बीनीथ वाटर और वो पानी के नीचे फ्लोट करने लगा जैसे कि कोई, you know, उसको मजा आ रहा था जस्ट लाइक अ लिटिल किड शी वॉज डूइंग पानी के अंदर डाल रही थी तो वो अलग अलग शेप ले रहा था एंड शी वॉज एंजॉइंग दैट

द फॉरेस्ट टू एक्म फादर डाउन इट्स टैंगल पास मतलब अब फॉरेस्ट से जब वो चलते गए तो उसके बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो लोग आगे चलते गए ग्रेजुअली द ट्रीज बिगेन टू थिन आउट तभी क्या हुआ जो एकदम घना फॉरेस्ट था अब ट्रीज जो थी वो कम होने लग गई एंड मेक वे फॉर अ सिल्वर ऑफ सन लाइट सिल्वर ऑफ सन लाइट मतलब और पूरी जो सन लाइट थी वो नीचे तक पहुँचने लग गई विच ग्रे इन टू अ ब्रॉड शार्फ्ट मतलब जिसमें एकदम से अब जोर से अब जैसे जैसे पेड़ कम होने लग गए बहुत ज्यादा रोशनी आने लग गई दे आर इन द मिडल ऑफ द ग्लेड इस चमक के बीच में क्लोथ इन ग्लिटरिंग वाइट रेमेंट मतलब एकदम व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहन के मैजेस्टिक एज अ कैथेड्रल मैजेस्टिक एज कैथेड्रल कैथेड्रल मतलब क्या होता है कैथेड्रल का मतलब अ वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट चर्च स्टूड एन ओक तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा सा ट्री है ओक ट्री है जो कि वाइट कलर का है बिकॉज ऑफ द आइस थिंग उसकी लीव्स जो हैं पूरी कवर्ड हैं आइस से वो ऐसा लग रहा था एक चर्च की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है एंड इट वाज़ लुकिंग मैसमाइजिंग एनकेस्ड इन स्नो एंड स्नो फ्लेक्स लाइनिंग इट्स ट्रंक विथ ग्लिटर लाइक सिल्वर रेड वो पूरा स्नो से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो एक सिल्वर के धागे की तरह चमक रहा हो इट सेम टू एना दैट द माइटी गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट क्वाइटली वेव्ड द ब्रांच टू हर ऐसा लग रहा था इस पूरे फॉरेस्ट का वो गार्जियन है और वो एना को देख रहा है वेव कर रहा है इन ग्रीटिंग शाउकिन मीन वाइल बिजली ऑब्जर्व द ट्री शाउकिन सिर्फ उस ट्री को देख रहा था विच वॉज होम टू अ नंबर ऑफ लॉजर्स बीटर्स एंड अदर इंसेक्ट्स हो सॉट शेल्टर फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड उसके हिसाब से वो एक बहुत बड़ा घर था वो जो विंटर होकर ट्री था जहाँ पे इतने सारी बर्ड्स को लिजर्ड्स को इंसेक्ट्स को एक तरीके से शेल्टर मिला हुआ था वो बस उसको चुपचाप देख रहा था द पुअर क्रिएटर्स कोड नॉट हैव फाउंड अ बेटर होम देन दिस माइटी ट्री दैट वॉज लेड इन विथ लाइफ उसके हिसाब से जो पुअर क्रिएटर्स थे जो इतने ज्यादा स्नो से विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए इससे बेटर घर हो ही नहीं सकता विच इज लेड इन विथ लाइफ लेड इन विथ लाइफ मतलब इसमें इतने क्रिएटर्स रह रहे हैं ऐसा लग रहा है इट इज़ फुल ऑफ लाइफ लेड इन विथ लाइफ मतलब इट इज़ कैरिंग और होल्डिंग अ लॉर्ड ऑफ समथिंग एना वॉज गेजिंग इन डिलाइट एना सिर्फ आश्चर्यचकित होकर देख रही थी एट द सीक्रेट फॉरेस्ट इस सीक्रेट फॉरेस्ट को टीमिंग विद लाइफ दैट वॉज स्टिल नाउन अन अनोन टू हर ऐसा लग रहा था दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज फुल ऑफ लाइफ और आज तक उसे इसके बारे में पता ही नहीं था इट वॉज अ सीक्रेट एंड शी अ स्किलफुल टीचर और उसे लगता था कि वो बहुत ही स्किलफुल टीचर है वाई अ लाइफ टाइम व शॉर्ट टू डिलाइट इन द वंडर्स ऑफ द पैथ शी हैड जस्ट ट्रेवल्ड अब उसे लग रहा है कि एक पूरी जिंदगी जो है वो कम पड़ जाएगी इस पाथ को इस ब्यूटिफुल पाथ को समझने के लिए पूरा देखने के लिए इन्जॉय करने के लिए बिसाइड्स दिस पाथ वॉज हार्ड टू फाइंड लाइक अ की टू अ मेज कैस्किट प्लस ये जो पाथ था ये एक सीक्रेट पाथ था तो इट्स लाइक अ मेज टू अ की कैस्केट कैस्केट मतलब क्या होता है एक डेकोरेटिव बॉक्स होता है जिसमें आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हो उसमें अगर आप एक छोटी सी की रख दो तो यू विल हैव टू फाइंड इट क्योंकि की भी चमकेगी आपके वैल्यूएबल्स भी चमकेंगे तो इट वॉज लाइक टू फाइंड अ की टू अ मैजिक कैस्केट मेज कैस्केट मतलब उसको लगा कि पता नहीं ये फॉरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है बट हियर डीप इन द दर्ड्स when she felt the same thrill of discovery with which the children shouted their tractor, well, bird, cage in the classroom far away, the path slowly showed itself to her. लेकिन अब उसको same feeling आ रही थी same excitement आ रहा था जिस excitement के साथ उसके बच्चे जो थे बहुत ही common चीज़ों को बोल रहे थे जैसे noun का जब वो पूछ रही थी tractor, well, bird, cage. और अब जो है she felt the same thrill of discovery. Well, Shavushkin, thanks for the walk. It's past three, and we will have missed your mother. And yes, you can take this path too, if you want. So usne bola, Well, Shavushkin, हम bahut ज़्यादा late ho gaye hain. Thank you for this beautiful path. लेकिन अब जो है, तीन बच चुके हैं already और हम तुम्हारी mother को miss कर चुके हैं. अब हम उनसे मिल नहीं पाएंगे. और हाँ, तुम चाहो तो इस path से आ सकते हो. Shavushkin wanted to promise that he would never come late again, but that would be a lie. ही ब्लश रेज हिस् कॉलर एंड पुल्ड डाउन हिज कैब तो उसने वो प्रॉमिस करना चाहता था कि मैं अब कभी लेट नहीं आऊँगा लेकिन उसे पता था ये झूठ होगा क्योंकि वो लेट हो ही जाएगा ही ब्लश उसने मतलब उसके फेस पे उसने ब्लश किया उसको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई रेज हिस् कॉलर एंड पुल्ड डाउन हिज कैब लाइक इन अ वे टू से थैंक यू आई वॉक यू बैक उसने बोला मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ इट्स right, उसने बोला नहीं कोई बात नहीं मैं अकेले चले जाऊँगी हे लोग डाउटफुलट एस टीचर पिकड अप्रोक ऑफ इट्स टिप एंड गिव इट टू एना सो उसने डाउटफुली अपनी टीचर को देखा कि ये वापस जा पाएगी फिर उसने एक स्टिक लिया उसको ऐसे तोड़ा कि उसकी जो एज था वो शार्प हो गया और उसने उसको दे दिया इफ यू मीड द एल्क वे द स्टिक उसने बोला अगर आप एल्क से मिलो तो उसको स्टिक से डरा देना बट डोंट स्ट्राइक हिम लेकिन उसे मारना नहीं और ही मे टेक ऑफेंस एंड लीव अ वुड फॉर एवर या तो फिर उसको बुरा लग जाएगा और वो हमारा जंगल हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा वेरी वेल शावर आई शांट बीट हिम उसने बोला नहीं बिल्कुल मैं समझती हूँ मैं उसे नहीं मारूंगी हैविंग ऑफ ऑफ अ बिट एना राउंड टू लुक एट द द द ओक रोजी वाइट इन रेज सेटिंग सन थोड़ा आगे जाने के बाद वो पलटी और पलटने के बाद उन्होंने क्या देखा उस ओक ट्री को देखा विच वॉज रोजी वाइट इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन जो शाम जो सूरज डूबने वाली जो रेज होती है उसमें वो रोज़ी पिंक लग रहा था वाइट रोजी वाइट लग रहा था एंड सो अ डार्क लिटिल फिगर एट इट्स फुट और उसने एक छोटे बच्चे को खड़े होते हुए खड़े हुए देखा जो उसके वहीं पे मतलब विंटर ओक जो ट्री था उसके पास खड़ा हुआ था शाबुशकिन हैड नॉट लेफ्ट वो अभी तक गया नहीं था होल्डिंग गार्ड ओवर हिज टीचर फ्राम अफार मतलब वो अभी भी अपनी टीचर को देख रहा था दैट इज शी ओके इश इज विल शी बी एबल टू गो प्रॉपरली तो वो उनका ख्याल रखते हुए उनको जाते हुए देख रहा था सो दैट वॉज द स्टोरी एंड इट्स सडनली डॉन्ड ऑन एना देट द मोस्ट वंडरफुल थिंग

उसने उन्हें बाई किया और लेजरली मतलब मतलब एकदम कोई जल्दबाजी में नहीं आराम से वो उस घुमावदार विंडिंग मतलब जो है कर्विशियस जो फुटपाथ था ट्विस्टिंग कर्विंग फुटपाथ था उसमें वो आगे चलने लग गई एंड दैट्स इट लेट्स बिगिन विद द समरी एक समरी लेते हैं क्विक समरी और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे सो एना वसिल इज अ यंग रशियन स्कूल टीचर ये एक यंग रशियन स्कूल टीचर हैं हु लाइक्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन उनको ऑर्डर और डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है वाई शी इज टीचिंग अ लेसन ऑन नाउंस, शी इज इंटरप्टिड बाई अ बॉय कॉल्ड शावकिन हु इज ऑलवेज लेट टू लेसन्स अब उन्होंने अपनी क्लास में वो एशी एंटर द क्लास शी स्टार्टेड टीचिंग नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं नाउंस पढ़ते हैं तो उन्होंने नाउंस पढ़ाना जैसे ही स्टार्ट करा ही था लेकिन तभी उनके रिदम को ब्रेक किसने किया शाबुशकिन ने जो कि क्लास में लेट आया था

through the forest and Anna realizes that she is transported into another world an enchanted world of peace and silence तो वो एक शॉर्टकट लेते हैं फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं और एना को रियलाइज़ होता है जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है एक ऐसी इंचांटेड एक मैजिकल दुनिया जहाँ पे हर जगह पीस है और साइलेंस है द वॉक थ्रू द फॉरेस्ट हेल्प एना टू व्यू थिंग्स इन अनादर लाइट और ये जो एक छोटा सा वॉक वो लोग लेते हैं तो ऐसा लगता है एना रियलाइजेस कि अब वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लग गई है एंड हर ब्लैक एंड वाइट परसपेक्टिव ऑफ़ द वर्ल्ड इज चेंज जो वो हर चीज़ को इधर ब्लैक और वाइट देखती थी या तो होता है या तो नहीं होता है तो मतलब उसके लिए चीज़ें बहुत ही ऑबियस थी अब ऐसा नहीं था ना शी रियलाइज

समरी ऑफ आर चैप्टर नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वाई डिड एना वसल स्वैप लेसन विद अ जियोग्रोफी टीचर अब हमें ये पता है कि एना ने जोग्राफी टीचर के साथ क्यों चेंज किया क्यों स्वॉप किया था क्योंकि जोग्राफी टीचर ने बोला कि एक तो उनसे स्टूडेंट्स हैंडल नहीं हो रहे फर्स्ट लेसन्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं प्लस शवशकिन हमेशा लेट आता है सो शी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल सो एना डिसाइडेड दैट शी विल ज़्यादा मेक द क्लासेज क्लास वेरी इंटरेस्टिंग और वो जो स्टूडेंट्स को संभाल लेगी सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे एना स्वैप्ड स्वैब्ड लेसन्स विद द ज्योग्राफी टीचर बिकॉज शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द नॉइज क्यों क्योंकि जो जोग्राफी टीचर थी शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द नॉइस तो पहली प्रॉब्लम उन्हें नॉइस से हो रही थी इन अटेंटिव प्यूपल्स प्यूपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मतलब जो बच्चे सुनते नहीं हैं एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी वो हमेशा लेट आता था सो अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट इज वाई दीज थिंग्स रियली इिटेटेड हर एंड अनॉयड हर एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द क्लास सो दैट इज वाई शी स्वैप्ड विथ एना सिंपल आंसर एक है नॉइस दूसरा है इन-अटेंटिव प्यूपल्स और थर्ड है कि जो शवश्किन शौश, है वो हमेशा लेट आता था तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से जोग्राफी टीचर ने आना के साथ स्वैप कर लिया था स्वैप मतलब क्लासेस एक्सचेंज कर ली थी ओके वट मेड एना थिंक दैट शावकिन वॉज अ डिफिकल्ट बॉय एना ने सोचा ये तो बिल्कुल जो है डिफ़िकल्ट बॉय है डिफ़िकल्ट बॉय मतलब क्या मुश्किल लड़का डिफिकल्ट बॉय मतलब जो ईजीली समझा नहीं सकते जिसको एना थाट दैट शावशकिन वॉज अ डिफिकल्ट बॉय बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड मतलब कितनी भी वो ज़्यादा ट्राई कर ले कितने भी अच्छे से वो ट्राई कर ले शी कु नॉट गेट हिम टू टेल हाउ वट शी बिलीव टू बी द ट्रूथ तो उसने सोचा कि इसने बहुत ट्राई कर लिया अच्छे से पूछ लिया गुस्से में पूछ लिया लेकिन उसने सच नहीं बताया इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्ट बॉय है ये इजीली जो है आपकी बात सुनने वालों में से नहीं है ओके द चिल्ड्रन लर्न लेसन बाय नेमिंग थिंग्स दैट मोस्ट फेमिलियर टू देम हाउ डिड द आंसर्स ऑफ द क्लास डिफर फ्रॉम शेविश वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हिम अब जब मैम नाउम्स के बारे में पढ़ा रही थी है ना जब नाउम्स के बारे में पढ़ा रही थी तो बच्चे अपने आस पास की बहुत फमीलियर चीजों का नाम ले रहे थे टेबल बुक्स चेयर बोर्ड एक्सेट्रा लेकिन शाउशिन ने बोला विंटर ओक एंड उसका आंसर बाकी बच्चों के आंसर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था तो ये आपको शाउशिन के बारे में क्या बताता है वेल दी अदर्स इन द क्लास रूम नेम्ड ऑर्डनरी थिंग्स सच इज़ व्हील ट्रैक्टर कैट एंड वेल शावशकिस चॉइस ऑफ नाउन वॉज विंटर ओक और शावुशकिन ने क्या कहा था विंटर ओक हिज एग्जाम्पल वॉज डिफरेंट बिकॉज नॉट ओनली वॉज इट यूनिक बट इट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द ओक ट्री इन विंटर तो जब उसने विंटर ओक कहा तो एक तो वो बहुत अनयूजअल सी चीज़ थी नॉट ओनली इट वॉज टॉकिंग अबाउट एन ओक ट्री बट इट टॉक्ड अबाउट एन ओक ट्री इन विंटर सीजन दस फ्रॉम हिज चॉइस ऑफ एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड शावुशकिन कंसिडर्स द विटर ओक टू बी इम्पॉर्टेंट इनाफ टू री कलेक्ट इन अ लेसन तो इससे हमें यह पता चलता है कि शावुषकिन के लिए जो विंटर ओक ट्री है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि यू नो वेन ही वॉज टेकिंग हिज लेसन उसके दिमाग में विंटर ओक आया एंड ही रिकॉल्ड इट इन अ लेसन एंड ही इवन से दैट एज एन आंसर दिस शोज दैट ही हैज अ डीप कनेक्शन विद नेचर इससे हमें ये पता चलता है कि वो विंटर एवं ट्री से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इन अ वे यू कैन से कि वो नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ओके okay? वाई डिड एना थिंक दैट शाउसिन वॉज लाइंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल वॉट डिड शी इंटेंड टू डू अबाउट इट एना को क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहा है कि वो हमेशा मतलब उसको इतना टाइम लग जाता है जबकि वो एक घंटे पहले निकलता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू एना शी न्यू कि अगर वो हाईवे से है तो फिफ्टीन मिनट्स में पहुँच जाएगा अगर स्ट्रेट रोड भी लेता है तो आधे घंटे में पहुँच जाएगा तो इसका मतलब वो खेलते हुए आता है या मस्ती करते हुए आता है समथिंग इज रॉन्ग और वॉट डिट शी इंटेंड टू डू अबाउट इट तो उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगी सो वॉट डिट शी डू उसने बोला आई विल गो टू योर प्लेस एंड आई विल टॉक टू योर मदर अबाउट इट ठीक है सो लेट्स सी वॉट इज द आंसर सो यहाँ पे है एना एना वॉज श्योर दैट शाउसिन वॉज लाइंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल बिकॉज शी न्यू दैट इज हाउस वॉज क्लोजर टू स्कूल क्योंकि उसको पता था कि उसका जो हाउस है वो घर से बहुत पास में है एंड दैट सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु वर ऑन टाइम कम्पेयर टू दो स्कीड्स ऐसे और भी क्लास में स्टूडेंट्स थे जिनका घर उससे भी दूर था लेकिन वो टाइम पे आते थे इसका घर काफ़ी पास था पर वो टाइम पे नहीं आता था टू हर माइंड द ओनली रीजन शाउशकिन कूड हैव बिन डी लेट वॉज बिकॉज ही स्टॉप्ड टू प्ले एंड दस लॉस ट्रैक ऑफ टाइम तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि एक ही रीज़न हो सकता है कि जो शाउशकिन है वो इतना लेट हो गया था उसका वो क्या है बिकॉज ही स्टॉप्ड टू प्ले क्योंकि वो खेलने के लिए रुक जाता होगा और टाइम का ध्यान नहीं रहता होगा और इसीलिए वो हमेशा क्लास में लेट आता है तो उसने इसके बारे में क्या किया शी रिफ्यूज टू इवन कंसिडर द आइडिया दैट द चाइल्ड मे बी वॉकिंग थ्रू द वुड्स उसने सोचा कि हो ही नहीं सकता कि ये जंगल के रास्ते से आएगा शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वुड वॉन्ट टू डू सो उसको लगा कि जंगल से आने का तो कोई मतलब ही नहीं है वाई वुड ही वॉन्ट टू डू दैट एंड दस कंक्लूडेड दैट ही मस्ट बी लाइंग तो उसने सोच लिया कि अगर ये कह रहा है कि जंगल के रास्ते से आता है तो कोई क्यों आएगा जंगल के रास्ते से जब सीधा सीधा रास्ता है तो और बाकी बच्चे तो सब हाईवे से ही आते हैं तो शी डिसाइडेड कि ये झूठ कह रहा है

now the next question is we know that in the winter the oak tree protects and provides shelter to hibernating animals and therefore important to them why what way does it help shower skin वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हेम हमें पता है जो ये विंटर में जो ओक ट्री होता है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को एनिमल्स को बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है हाइबरनेटिंग एनिमल्स को हाइबरनेटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जैसे जो इतनी ठंड को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं सिक्स मंथ्स के लिए अपने शेल्टर में चले जाते हैं एंड वन सन इज आउट तब वो बाहर आते हैं तो ये जो हाइबोनेटिंग एनिमल्स होते हैं इसको भी वो शेल्टर प्रोवाइड करता है शावुश्किन के लिए ये ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों था द ओक ट्री हेल्प शाबुश्किन इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ नेचर शाबुशिन के लिए ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो उसको नेचर से एक कनेक्ट फील कराता था दो द ट्री थ्रू द ट्री शाविन इज एबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड बर्ड्स उस ट्री के थ्रू वो बर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाता था एनिमल्स एंड अदर क्रिएटर्स डेट कम टुगेदर इन द डेलिकेट वेब ऑफ़ लाइफ तो एनिमल्स इंसेक्ट्स और जितने भी क्रिएटर्स होते थे जो उस ट्री पे आके रहते थे वो उन चीज़ों को देखता था समझता था उसके लिए एक तरीके से वो एक वेब ऑफ लाइफ था Love for लव फॉर द ट्री टेल्स he has a deep डीप for फॉर नेचर एंड spending स्पेंडिंग टाइम इन इट्स अब ये जो शावशकिन जो है उसका जो ये लव है फॉर ट्री वो उसमें हमें क्या बताता है कि इट ही has a डीप appreciation फ़ॉर नेचर उसको नेचर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है नेचर को और उसको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है द the tree helps him by instilling sensitivity towards all living creatures in him and is therefore important to him. इस ट्री के थ्रू वो क्या सिखाता है ट्री उसको दैट वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑल द क्रिएटर्स विच आर अराउंड जैसे कि वो एक ट्री है बट हुए कम्स टू इट शेल्टर वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए वी शुड ऑल बी सेंसिटिव वो इंस्टिल कर रहा है मतलब वो उसके अंदर सेंसिटिविटी का जो एक ट्रेट है जो एक एक पॉजिटिव क्वालिटी है वो उसके अंदर इंस्टिल कर रहा है मतलब डाल रहा है दैट वी शुड बी सेंसिटिव ऑल द लिविंग क्रिएचर्स एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ट्री द विंटर ओक ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शवशिन आर वी क्लियर विद द आंसर नेक्स्ट हाउ डिड द वॉक इन द दर्ड्स चेंज द व वे एन आ थाट अबाउट हर सेल्फ अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि ये जो उसने वुड में फॉरेस्ट के थ्रू जो ये वॉक लिया उससे उसकी दो परसेप्शन चेंज हो गए एक खुद के बारे में और एक शवश्किन के बारे में तो क्या हुआ खुद के बारे में क्या चेंज हुआ द वॉक इन दर्ड्स चेंज द व वे शी था अबाउट हर सेल्फ इन मेनी वेज़ अपने बारे में जो वो जिस तरीके से सोचती थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया शी रियलाइज दैट देर वॉज सो मच डैट शी डेंट नो एंड वॉज हम्बल्ड बाय दिस उसको रियलाइज़ज़ हुआ कि इतनी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो उसे नहीं पता थी एंड शी वॉज हम्बल्ड बाय दिस की थैंक गॉड देर आर सो मेनी थिंग्स टू नो

नेचर uh, की होनी चाहिए आप बच्चों को देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए आप क्या पढ़ा रहे उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपको हमेशा अपना पढ़ाने का तरीका बदलते रहना चाहिए तो उनके जो रिजिड आइडियाज़ थे लर्निंग के और एजुकेशन के वो उनको पढ़ाने में जो एन्जॉयमेंट है उस फीलिंग से रोक रहा था अंडरस्टैंड दिस लाइन शी अंडरस्टुड हाउ हेज विजेड आइडियाज ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन स्टॉप हम इंजॉयिंग द फीलिंग ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स मतलब उसको जो ऑलरेडी वो जिस तरीके से पढ़ा रही थी उसकी वजह से नई चीजों को सीखना नई चीजों को समझना उसकी वो फीलिंग को इंजॉय ही नहीं कर पा रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी लर्न दैट शी वुड बी अ गुड टीचर ओनली वेन शी वॉज एबल टू फाइंड जॉय इन लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि वो एक अच्छी टीचर सिर्फ तब बन पाएंगी जब उन्हें पढ़ाने में मजा आएगा जब उन्हें लर्निंग को वो एंजॉय करेंगी एक काम की तरह नहीं करेंगी तो ये तो था कि फॉर हर सेल्फ उनके अंदर क्या चेंजेस आए अब शवुस्किन के बारे में उनका थाट कैसे बदला द वर्क इन द दर्ड्स चेंज्ड परसेप्शन अबाउट शाविन चाइल्ड वॉज वाइस बियॉन्ड हिज ईयर्स उसने रियलाइज़ किया कि जो छोटा बच्चा है ये अपने अपनी एज से कई ज़्यादा समझदार है मतलब वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स मतलब वो जितने साल का है उससे कई ज़्यादा समझदार है कई ज़्यादा वाइज है शी नाउ वॉज एबल टू अप्रिशिएट द चाइल्ड कंपेशन फॉर लिविंग थिंग्स एंड हिज सेंसिविटी टू द वर्ल्ड अराउंड हिम अब वो इस चाइल्ड को कंप्लेन नहीं कर रही थी अब वो इस चाइल्ड को अप्रिशिएट कर रही थी कि वो नेचर की तरफ जितना वो कनेक्टेड है नेचर से ही सो सेंसिटिव ही हैज सो मच ऑफ कंपेशन फॉर लिविंग थिंग्स अराउंड हिम इट मेड हर व्यू हिम एज अ सिटीजन ऑफ द फ्यूचर और उसको लगा यही है सिटीजन ऑफ द फ्यूचर हमारे देश का भविष्य हु कुड बी काउंटेड ऑन टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड जो कि शायद हमारे वर्ल्ड में एक चेंज लेके आ पाएगा एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पाएगा क्लियर विद द आंसर डन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड द लाइंस एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। इट हैड अ वेल डे। व्हाट डू यू थिंक इज एना आइडिया ऑफ अ वेल बिगन डे वाई डिड शी थिंक दैट इट वाज पॉइंट तो इनिशियली सेवन पैराग्राफ में शी सेज जैसे शब आता है लेट आता है तो शी हेड ऑलरेडी स्टार्टेड हर डे मतलब ग्रीटिंग्स हो चुकी थी शी इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट शी वॉज टीच एंड ऑल एंड सडनली केम लेट, इट्स पॉइल द डे फॉर हर वाई एनाज आइडिया ऑफ अ पहले तो एना के लिए वेल बिगिन डे कैसा होना चाहिए तो एनाज आइडिया ऑफ अ वेल बिगिन डे अपीयर्स टू बी वन शी टीचेज द लेसन टू अर हु हू इट क्विकली उसके लिए एक अच्छा दिन क्या होना चाहिए उसने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को सब समझ में आ गया बात खत्म शी ऑल्सो एक्सपेक्ट बी एबल टू टेक चार्ज ऑफ अ क्लास कमांड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड हैव देम ओबे हर उसके लिए एक परफेक्ट क्लास वो होगी जहाँ पे शी इज एबल टू टेक द चार्ज ऑफ हर क्लास मतलब उसकी पूरी क्लास जो है वो उसकी बात सुन रही है जहाँ पे बच्चे उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो उनसे अपनी बात मनवा पा रही है दैट इज द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट क्लास फॉर हर टिक्यूलर डेम स्पॉइल्ड अब यह दिन उसके लिए स्पॉइल्ड हो गया था बिकॉज शबुष्न लेट शबिन था दस डिस्टर प्लान फॉर द क्लास जिसकी वजह से उसकी जो क्लास का जो फ्लो होता है जो प्लान था वो टूट गया था ब्रेक हो गया था ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ टाइम वॉज टू शॉर्ट टू डिलाइट इन दंडर्स ऑफ दू हेड जस्ट ट्रेवल्ड मतलब एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी इस ट्रैवल में ये जो वो जहाँ चल रही है जहाँ वो डिफरेंट क्रिएचर्स को देख रही है पेड़ को देख रही है उसको लग रहा है एक जिंदगी कम पड़ जाएगी इसकी ब्यूटी को समझने के लिए इस नेचर को समझने के लिए वॉट पाथ हैज़ एना डिस्कवर्ड दैट हैज़ ब्रॉट हर सो मच जॉय एना को वो कौन सा रास्ता की बात कर रही है ना जिसकी वजह से उसे इतनी खुशी मिल रही है वाई इज़ इट सो स्पेशल और वो इतना स्पेशल क्यों है वेयर डू थिंक दिस पाथ वुड लीड और तुम्हें क्या लगता है ये पाथ उसको कहाँ लेके जाएगा द पैथ दैट एना हैज डिस्कवर्ड इज द आइडिया ऑफ इंजोइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग समिंग एंड लर्निंग मोर अबाउट इट तो द पैथ दैट एना हैज डिस्कवर्ड ये जो पाथ है जो एना ने अभी अभी डिस्कवर किया है इज द आइडिया ऑफ इंजॉइंग द प्रोसेस मतलब इस बात के थ्रू उसको ये समझ में आया दैट यू नो लाइफ इज नॉट अबाउट कि आपको कोई चीज मिली आपने देखी आप खुश हो गए बात खत्म नो इट इज द आइडिया ऑफ इंजॉयंग द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग जब आप कोई चीज नई चीज डिस्कवर करते हो उस प्रोसेस को इंजॉय करना होता है एंड लर्निंग मोर अबाउट इट आपको एक साइकिल मिल गई आपने इन्जॉय किया नहीं जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो और फिर फाइनली आप उस चीज़ को अचीव करते हो एंड देन यू इन्जॉय इट ये पूरा प्रोसेस जो होता है दैट इज वॉट गिवस यू हैप्पीनेस दिस पाथ इज स्पेशल बिकॉज इट डिलइट्स द लर्नर वाइल ऑल्सो टीचिंग देम दैट इज मेकिंग श्योर दैट दे विल चेरिश दिस लेसन ऑल देयर लाइफ और ये रास्ता इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिलइट्स द लर्नर मतलब ये लर्नर को खुशी देता है वाइल ऑल्सो टीचिंग देम और एट द सेम टाइम वो उनको एक लेसन भी सिखाता है ताकि वो लोग इस लेसन को अपनी लाइफ टाइम चेरिश कर पाए खुश रह पाए उन्हें चीज समझ में आ गया है है कि खुशी जो है, छोटी छोटी चीजों में लर्नर दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एंड कैन इनफैक्ट ब्रिंग पीपल द टीचर एंड द लर्नर इमेंस जॉइन सेफैक्शन इस बात ने उस टीचर को ये भी सिखाया कि जो लर्नर है ऑल्सो टीचर्स द लर्नर मतलब उसको ये भी सिखाया कि जो ये प्रोसेस है लर्निंग का वो मुश्किल नहीं है और इनफैक्ट जो है वो बच्चों को टीचर्स को और जो लर्नर है इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जॉय और सेटिस्फैक्शन लेके आ सकता है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो अगर आप अपनी बुक को अरे यार मुझे तो एग्ज़ाम में आ रहा है मुझे इसलिए पढ़ना है वो सोच के पढ़ोगे आपको कभी इन्जॉय उसको कर ही नहीं पाओगे लेकिन जब आप सोचो कि आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ आज शायद मैं कुछ नए वो कैबलरी वर्ड सीखूंगा आज मुझे इधर पे आपके घर में अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे आप एक नई दुनिया में ट्रैवल कर रहे हो आपको एक नए लोगों के बारे में पता चल रहा है आपको पता चल रहा है कि वाकई जो है चीज़ें खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है छोटी छोटी चीज़ों में होती है दिस पाथ कुड लीड द लर्नर टू अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ विस्टम ऑफ नॉलेज दैट विल गाइड लाइफ और इस पाथ में क्या है यहाँ पे एक ट्रेजर है खजाना है खजाना किसका है विजडम का नॉलेज का खजाना है जो कि आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगा ओके okay? अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट में ग्रामर पार्ट में लेट्स सी दीज टू सेंटेंसेस आई डिड नॉट टेक द रूट अलॉन्ग दाईवेट शावुशकिन शावुश्किन ने कहा कि मैं जो हूँ हाईवे का रूट नहीं लेता हूँ रूट अलॉन्ग द हाईवे अब आपको समझ में आया हमने इन दोनों सेंटेंसेस में क्या किया है ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच ये है मतलब जो उसने कहा वर्ड टू वर्ड हमने लिख दिया और यहां पर हमने उसके वर्ड को रिपोर्ट करते हुए लिखा है तो डायरेक्ट और इन स्पीच जो है ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको लिंक इसकी शेयर करूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ आप उस लिंक को जाके विजिट करना एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच क्या होती है किस तरीके से आप चेंज करते हो ट्रांसफॉर्म करते हो सारे रूल्स उसमें लिखे हैं एंड ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया है सो डो नॉट वरी अबाउट इट इफ़ यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट और इन डायरेक्ट स्पीच ठीक है तो हमें यहाँ पर पता है जब हम एक्चुअल वर्ड्स किसी के कहते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच लेकिन अगर हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हुए किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं उसको आप रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको सारे जो यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनड स्पीच में लिखना है पारुल सेड आई एम गोइंग टू क्लीन माई बुक शेल्फ टूडे अब हमें पता है देर आर सर्टन रूल्स टू तो ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इन टू इनड स्पीच सबसे पहले ये है आपका स्पीकर और ये क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड ये सब क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब इसके बाद आता है हमेशा एक कॉमर डायरेक्ट स्पीच में एंड जो एग्जैक्ट वर्ड्स सामने वाले ने कहे हैं वो हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं अगर तुमने कुछ पूछा है कुछ एक्सक्लेमेशन दिया है जो भी है चाहे वो फुल स्टॉप हो कॉमा हो या क्वेश्चन मार्क हो वो इन्वर्टेड कॉमास के डबल इन्वर्टेड या जो कोटेशन मार्क है उसके अंदर ही आता है ये डायरेक्ट स्पीच में होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं सो so आप इसमें से ये कॉमा हटा देते हो ये कोटेशन मार्क हटा देते हो पारुल सेड अब आप एक कंजंक्शन ऐड करते हो जिसका मतलब होता है जो ही जो कि है डाट ये हमेशा हल्स में नहीं ऐड होता लेकिन मेजरली ऐड होता है said that, अब पादुल ने कहा मैं जा रही हूं। तो आप इसको क्या बोलोगे? ने कहा वो जा रही थी ओके अगर ये वॉज गोइंग टू क्लीन मेरे मेरे बुक शेल्फ क्लीन करेगी नहीं वो उसका बुक शेल्फ क्लीन करने जा रही थी तो बुक शेल्फ टुडे अब टुडे मतलब आज लेकिन अगर मैं बता रही अरे वो बोल रही थी कि उस दिन वो अपना बुक शेल्फ साफ करने जा रही थी उस दिन ओके okay? अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं पहला है अमोल सेड आई अ पेयर ऑफ रनिंग शूज अमोल ने कहा मुझे रनिंग शूज खरीदने हैं अब अगर आप बताओगे किसी को तो आप क्या बोलोगे अमोल ने कहा था कि उसको उसको एक पेयर ऑफ रनिंग शूज खरीदने थे राइट right? तो आप क्या बोलोगे अमोल सेड ये क्रॉस हुआ ये क्रॉस हुआ यहां आ जाएगा दैट आई की जगह आ जाएगा ही हैव का पास्ट हो जाएगा हैड ही हैड टू बाय अ पेयर ऑफ रनिंग शूज सिमिलरली नेक्स्ट देखो ग्रैंड मा इज गोइंग अवे टू मुंबई फॉर अंथ सेट कुमार सो हम बोलेंगे कुमार ने बताया ना आपको ये चीज की ग्रैंड माँ एक महीने के लिए मुंबई जा रही है तो बताने को क्या बोलते हैं टोल्ड या इनफॉर्म्ड तो आप बोलोगे कुमार टोल्ड और कुमार इनफॉर्म दैट दैट की दैट ग्रैंडमा इज गोइंग की जगह हो जाएगा वॉज गोइंग अवे टू मुंबई फॉर अ मंथ अंडरस्टंड क्लियर ये रहे हमारे आंसर्स नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स सेट द गार्डनर टू द चिल्ड्रेन यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स सेट द गार्डनर टू द चिल्ड्रेन तुमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए अब यहाँ पे क्या होता है जब आप किसी चीज को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो आप प्रोहिबिट कर रहे हो तो आप सिंपली कह सकते हो द गार्डनर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन टू प्लग फ्लावर्स प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रेन टू प्लग फ्लावर्स नेक्स्ट है इफ वी प्ले वेल वी विल विन दिस टूर्नामेंट से कैप्टन अब जैसे कि हम को कर देते हैं, करते हैं, करते वैसे ही का हो जाता है we well, का पास्ट हो जाएगा प्लेड इफ वी प्लेड वेल वी विन दिस का हो जाएगा दैट वी विन दैट टूर्नामेंट ओके ये हो गए हमारे आंसर्स नेक्स्ट देख लेते हैं राइट दी सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच अब है दुलिसमैन सेट प्लीज स्टैंड इन इफ यू टू बाई टिकताया है रिपोर्टिंग वर्क के साथ हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है दुलिसमैन आस्ट देफ दे ट यू की जगह आ जाएगा दे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम इफ दे वॉन्ट का पास हो जाएगा वॉन्टेड इफ दे वॉन्टेड टू बाई टिकट ओके अब यहाँ पे है डोंट क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन मदर हैड सेट मदर ने क्या कहा डोंट क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन और हमें बोला है टोल्ड मी नॉट टू तो अपन क्या बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट टू क्रॉस दैट बिजी रोड अलोन हम कैसे बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट मदर टोल्ड मी की जगह हम बोलेंगे मदर हैड टोल्ड मी नॉट टू क्रॉस द बिजी रोड अलोन नेक्स्ट है वाई डोंट यू गेट सम कोच सेट टू अस अब हमें स्टार्ट करना है कोच सेट की जगह क्या आ जाएगा सजेस्टेड दैट वी शुड द कोच सजेस्टेड दैट वी शुड गेट सम कोच ने सजेस्ट किया कि हमें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन इट इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस द डायरेक्टर सेट अब क्या बोलोगे द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड सेट दैट इट वॉज माई याद हो जाएगा माई बेस्ट परफॉर्मेंस कि वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था अंडरस्ट देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ना जब आप कॉन्वर्स मतलब ट्रांसफॉर्म करते हो ना तो कुछ रूल्स को आपको ध्यान में रखना होता है नॉई फाइल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग रूल्स ओवर ही तो ये हमारी पूरी जो वीडियो है वो रूल्स में चली जाएगी सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट को विजिट दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ट्रस्ट में ओके

कैप्टन ने बोला कैप्टन जो था उनका उसने चिल्ला बोला ये जो ट्रॉफी है वो उनकी है आज नहीं आएगा देर आ जाएगा ओके okay? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ना आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं और पैराग्राफ दिया हुआ है इसका ऑपोजिट मीनिंग जो है इस पैराग्राफ में दिया हुआ है तो आंसर क्या है केयरफ्री का ऑपोजिट है एंशियस लेशली आराम से का हो जाएगा रैपिडली जल्दीबाजी में Joyfulness को opposite का ऑपोजिट हो जाएगा ग्रीफ आपको दिख नहीं सकता उसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट कॉन्फिडेंटली हो जाएगा अब है वर्ड्स इन दीज एना वॉज नर्वस लाइक स्कूल गर्ल बिफोर एन एग्जामिनेशन ये जो है लाइक like, वो कैसे नर्वस थी एक स्कूल के बच्चे की तरह द ओक ट्रीज टूड एज मेजेस्टिक एज कैथीड्रल बेसिकली हम सिमिलीज की बात कर रहे हैं सिमलीज मतलब जहाँ हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज ऑ लाइक यहाँ पे हम एना को एक स्कूल गोल से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ हम ओक ट्री को एक कैथीड्रल एक चर्च से कंपेयर कर रहे हैं सो यूज दिस सिमिलीज एंड राइट सेंटेंसेज एज सजेस्टेड यूज ब्लेजिंग लाइक अ बीट्रूट टू डिस्क्राइब हाउ यू लुक आफ्टर यू प्लेड ऑल डे इन द सन सो ब्लेजिंग लाइक अ बीट रूट तुम्हें यूज करना है और तुम्हें बताना है तुम दिन भर खेल रहे थे तो तुम कैसे लगोगे हमने इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया है आफ्टर प्लेइंग इन द सन ऑल डे आई वॉज ब्लेजिंग लाइक अ बीट्रूट मतलब मैं एक बीटरूट की तरह जो चुकंदर की तरह लाल हो गया था यूज ग्लिटरिंग लाइक सिल्वर थ्रेट टू डिस्क्राइब अज इट रैन डाउन अ माउंटेन थ्रेड like मतलब एक सोन चांदी के धागे की तरह चमकना तो ये जो है एक रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे गिर रही है तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं द रिवर जैन डाउन द माउंटेन ग्लिटरिंग लाइक सिल्वर थ्रेड उसके बाद नेक्स्ट क्या है यूज लाइक अ की टू अ मैजिक कैस्किट टू डिस्क्राइब योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्स्लेश इन द नाइट स्काई तो ये मैंने इसी में यही यूज़ किया है कि पहली बार जैसे आपने कॉन्सलेशन देखे आपको कितना अच्छा था आपके पास टेलीस्कोप है आप कॉन्सलेशंस देख रहे हो तो इट इज़ लाइक फाइंडिंग अ की टू अ मैजिक कैस्किट तो आप क्या बोलोगे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंगेशन इन द नाइट स्काई वाज लाइक अ की टू द मैजिक कैसेट वाज लाइक फाइंडिंग अ की वाज लाइक फाइंडिंग अ की टू द मैजिक कैसकेट ओके नाउ यूज दीज वर्ड्स टू मेक समीज ऑफ योर ओन और उसका सेंटेंस भी बनाना है जैसे क्वाइट का आप बोल सकते हो एज क्वाइट एज अ माउस और एज क्वाइट एज

so my teacher is as loud as a trumpet proud as proud as a rose flower she is as proud as a rose flower for her beauty and we are done with this chapter thank you so much for being with me did we understand the questions i hope we did if you have any doubts you can please Write it in the comment section. And where will you find all these videos? Very easily. Very easily you will find them on our website, magnetbrains.com. What you have to do is you have to just click on the class and select the subject, then select the topic that you wish to study or your video start That's it. Simple, right? Do not forget to like, subscribe, and share. Please take care of yourself. I'll see you soon in my next video. Bye bye.